हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स प्रिपरेशन फॉर अलजेब्रा। इसमें आज हम देखेंगे यूजिंग लेटर्स कि किस तरह से हम लोग लेटर्स को भी अलजेब्रा में यूज करते हैं। लेटर्स कैन बी यूज लाइक अ सिम्बल्स टू मेक अवर राइटिंग शॉर्ट एंड सिंपल, कि हमारी जो राइटिंग है उसके लिए हम शॉर्ट एंड सिंपल लिखने के लिए लेटर्स को भी यूज करते हैं, और एज अ सिम्बॉल भी हम लेटर्स को यूज कर सकते हैं। तो कैसे देखिए, मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय वन गिव्स द नंबर इटसेल्फ। तो ये एक लाइन दी है या फिर एक रूल है जिसको हम लेटर्स को यूज करके लिख सकते हैं। कैसे कि मल्टीप्लाइंग एनी नंबर, किसी भी नंबर को हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा वही नंबर इटसेल्फ आएगा। जो भी नंबर है जिसको हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है आंसर में। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लेटर यूज करेंगे ए, तो ए इंटू वन, कि किसी भी नंबर को हमने वन से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा, वो नंबर खुद ही आएगा। तो यहाँ पे हमने कौन सा लेटर यूज किया, ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटू वन अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा ए। सपोज यहाँ पे मैंने बी लिया, बी इंटू वन, तो आंसर क्या आएगा, बी। तो रूल क्या है हमारा, मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय वन गिव्स द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर को हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वो नंबर खुद आएगा। तो यहाँ पे हमने लेटर यूज किया है ए, तो ए इंटू वन आएगा ए, बी इंटू वन करेंगे तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है सेकेंड वन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज जीरो, कि किसी भी नंबर का जो प्रोडक्ट होता है जिसे हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। कि जैसे अगर हमने यहाँ पे लेटर यूज किया पी, पी को अगर प्रोडक्ट मीन्स क्या, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो पी इंटू अगर जीरो करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। कि किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर किसी भी नंबर का और जीरो का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन जो होता है उसका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ पे हमने पी लिया है, तो पी इंटू जीरो करेंगे तो आंसर आएगा जीरो। या पे और दूसरा लेटर हम ले सकते हैं, सपोज हमने लिया टी, टी इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इस तरीके से जो रूल्स हमें यहाँ पे दिए हैं उनको शो करने के लिए या फिर दिखाने के लिए हम लेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम सेट 56 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन हमें दिया है, यूज अ लेटर फॉर एनी नंबर एंड राइट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन शॉर्ट, कि जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है उसको हमें किस तरीके से शो करना है लेटर्स को यूज करके। फॉर एनी नंबर, तो एनी नंबर की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, लेटर को यूज करेंगे। तो फर्स्ट हमें दिया है, द सम ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज द नंबर इटसेल्फ। कि सम मीन्स क्या, एडिशन, किसी भी नंबर, एनी नंबर, किसी भी नंबर और जीरो की सम, एडिशन जो होती है वो क्या आएगी, नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद ही आएगा। तो इसे हमें दिखाना है शॉर्ट में। तो कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे अगर हमने लेटर ए यूज किया, ए प्लस सम मीन्स क्या होता है, एडिशन, और एडिशन किसका, एनी नंबर, एनी नंबर के जगह पे हमने लिया है लेटर जो कि है ए, ए प्लस, तो एनी नंबर एंड जीरो, तो ए प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या आता है, द नंबर इटसेल्फ। तो कौन सा लेटर हमने लिया है, ए, तो ए प्लस जीरो इज इक्वल टू वही नंबर मीन्स कौन सा यहाँ पे, जो कि हमने ए लिया है। तो इस तरीके से हमें एक क्या मिल जाता है, एक्सप्रेशन या फिर प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे हमें जो दिए है उसे हम शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। सेकेंड वन हम देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्टेन आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ दोज नंबर्स इज द सेम। तो ये इतना बड़ा दिया हुआ है जिसे हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं लेटर्स को यूज करके। हमें दिया क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स, किसी भी दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है उसके अगर सीक्वेंस को हम चेंज करेंगे, चेंजिंग ऑर्डर, ऑर्डर को चेंज करेंगे या फिर सीक्वेंस को चेंज करेंगे तो आंसर हमें वही सेम मिलेगा। जैसे कि देखिए, अगर हम यहाँ पे लेंगे ए इंटू बी, तो ये इज इक्वल टू आएगा, इसका अगर हम सीक्वेंस चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं, बी इंटू ए अगर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही। समझने के लिए हम नंबर्स भी देख लेते हैं यहाँ पे, कि अगर हमने 4 इंटू 2 किया और यहाँ पे 2 इंटू 4 किया तो दोनों का आंसर क्या आएगा, 8 ही आएगा। 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8। तो यहाँ पे दोनों नंबर हमने लिए है, उसकी जगह पे हमने लेटर्स को यूज किया है ए इंटू बी, इनका सीक्वेंस हमने चेंज किया, ऑर्डर हमने चेंज किया बी इंटू ए, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। नेक्स्ट है थर्ड वन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज जीरो, कि किसी भी नंबर और जीरो का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे हमने लिया पी,
पी इज इक्वल टू जीरो अगर हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। कि किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड जीरो, क्या आएगा आंसर, जीरो। यहाँ पे आप एस ले सकते हो, एस इंटू जीरो इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। जैसे हम लोग टेबल बोलते हैं, 2 0 जा 0, 3 0 जा 0, मीन्स क्या होता है कि किसी भी नंबर को जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा जीरो। कि यहाँ पे हमने लेटर्स को यूज करके शॉर्ट तरीके से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर टू हमें दिया है, राइट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन वर्ड्स। कि जो हमें ये प्रॉपर्टीज दी है, यहाँ पे लेटर को यूज किया है, हमें क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। तो हमें क्या दिया है कि m माइनस जीरो इज इक्वल टू m। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी नंबर से हमने जीरो को अगर माइनस किया तो आंसर वो नंबर खुद आएगा। तो इसे हमें वर्ड्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग जीरो फ्रॉम एनी नंबर गिव्स द नंबर इटसेल्फ, गिव्स द नंबर इटसेल्फ। कि किसी भी नंबर से अगर हम जीरो को माइनस करेंगे तो आंसर हमें वो खुद नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट है, एन डिवाइडेड बाय वन इज इक्वल टू एन। तो इसको हमें लिखना है कि अगर हम किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, वही नंबर आता है। तो इसे किसे कैसे लिखेंगे, डिवाइडिंग एनी नंबर बाय वन, एनी नंबर बाय वन गिव्स द नंबर इटसेल्फ, गिव्स द नंबर इटसेल्फ। तो इस तरीके से अगर आपको प्रॉपर्टीज दी जाती है या फिर लेटर को यूज करके दिया जाता है कोई भी, तो उसे आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।